भाई तीनों स्टूडेंट्स मिले हैं, एक तो मोशन में पढ़ता है, एक एलन में और एक रेजुनेंस में। एक भाई साहब ये बड़ा शानदार है, चिकन खाने का मन हुआ इसी के कारण आज मेज बंद करवा दिए, चिकन बना रहे हैं रूम पे। बस टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे और तैयारी भी अच्छी चल रही है। हमें इवनिंग लाइफ कैसी होती है बच्चों की, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एग्जाम टाइम्स आ रहे हैं, एडमिशन टाइम भी आने वाला है। दोस्तों शाम का खूबसूरत नजारा कोटा का कितना प्यारा लग रहा है यार। भाई साहब मॉल के बाहर तो शानदार माहौल हो रहा है भाई, लोग आए। आज हम इवनिंग व्लॉग बना रहा हूँ मैं, ठीक है, रेंडम व्लॉग है बिल्कुल, और दिखाता हूँ आपको कि कोटा में इवनिंग की लाइफ कैसे होती है। अभी सिटी मॉल में आया हुआ हूँ, अंदर चल के दिखाता हूँ, फिर इसके बाद बाहर की भी सारी लोकेशन दिखाऊंगा आपको, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स है सारी लोकेशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, मॉल में एंट्री करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में आते हैं और यहाँ जैसे कि सामने देख रहे हो आप, यहाँ पर ज़्यादातर कौन बैठते हैं, छपरी, गलत तो नहीं बोला, अरे नॉर्मल लोग भी बैठते हैं। और पीछे की साइड में देख रहे हो एड लगे हुए हैं कोचिंग्स के एड, और पूरे मॉल में लगे हुए तो यार, और सारे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी के टाइम पे। यहाँ पर कौन कौन बैठा है कमेंट करके जरूर बताना मेरे को एक बार। अब स्टूडेंट्स का इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है भाई। तो भाई तीनों स्टूडेंट्स मिले हैं और तीनों अलग अलग कोचिंग से है ना, एक तो है रेजुनेंस से, ये है एलन से और एक मोशन से। भाई तीनों दोस्त कैसे बने और तीनों अलग अलग कोचिंग में होना? हाँ तीनों अलग अलग कोचिंग में है, ये मेरे पास से है घर से हम दोनों, ये इसके पीजी का है। अच्छा मतलब दोनों साथ में पीजी में रहते हो और ये आपके पास में घर पे रहता है। तो भाई देख लो डिवाइडेड बाई इंस्टीट्यूट बट यूनाइटेड बाई पीजी। चलो ठीक है मिलते हैं। यह है मॉल का पालिका बाजार, ठीक है। और बॉयज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। एक भाई साहब ये बड़ा शानदार है, यहाँ पर आकर जो कोई भी आता है ना एक बार तो फोटो जरूर क्लिक करवाता है, देख लो आप। आपने भी करवाया होगा यहाँ पर 100%। तो भाई ये है मॉल के बाहर का माहौल, यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सामने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और इधर की साइड में दिखाता हूँ आपको रेजुनेंस कोचिंग, यहाँ से रेजुनेंस दिखती है डायरेक्ट। तो भाई ये एलन वाला एरिया आ गया इधर, ठीक है, ये साफल्य है। शाम को स्टूडेंट्स की गजब भीड़ रहती है भाई, इधर चाय पीने निकले हैं कुछ लोग, ये अपने अपने दोस्तों के साथ, इधर देखो चौपाटी में खड़े हैं। इधर तो स्टूडेंट्स ही दिखेंगे आपको टोटली, क्योंकि आज संडे है तो संडे वो तो मोस्टली स्टूडेंट बाहर निकलते हैं रिफ्रेश होने के लिए। अब अभी हम पहुंचे जवाहर नगर में, और जवाहर नगर में देख लो भाई बहुत बढ़िया मॉल है जवाहर नगर में भी अभी स्टूडेंट्स का। इधर क्या है नीट के स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो अभी नीट का एग्जाम भी थोड़ा देरी से है, स्टूडेंट्स भी काफी सारे अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ तो मेला लगा हुआ है स्टूडेंट्स का, यहाँ पर स्टूडेंट मोमोज वगैरह खा रहे हैं भाई। भैया कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ पर सब्जी खरीदते हुए मिले हमें। भाई क्या आप हॉस्टल में रहते हो पीजी में रहते हो? मैं तो अभी रूम लेकर रहता हूँ। रूम लेकर रहते हो, तो खाना कौन बनाता है? आपने आपने सब्जी ले रखी है, खाना बनाते हो घर पे? जी मतलब मम्मी के साथ, मैंने ये लॉकडाउन लगा था उसमें मैं मम्मी के साथ थोड़ा बहुत सीख लिया। सीखिए हाँ। तो खुद ही खाना बनाते हो? तो हाँ बना लेता हूँ थोड़ा बहुत। वाह यार। और आप? हम लोग का कुक यही है आयुष, आयुष नाम इसका। अच्छा ये खाना बनाते हैं? मैं प्याज व्याज काट देता हूँ थोड़ा। आपके हाथ में क्या है अभी? चिकन है आज, चिकन 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 खाने का मन हुआ इसी के कारण आज मेस बंद करवा दिए, चिकन बना रहे हैं रूम पे। अच्छा मेस भी लगा रखा हुआ आपने? कैसा चल रहा है कोटा में ओवरऑल पढ़ाई वगैरह? बहुत बढ़िया, कोटा का माहौल बहुत बढ़िया है, नीट और नीट और जेईई के लिए बहुत बढ़िया है। चलो नीट की तैयारी कर रहे हो ना आप? हाँ नीट कर। चलो बेस्ट विशेस आपको, थैंक यू भैया। तो भाई ये उत्तम भाई हमारे पानी पता से खिलाते हैं हमेशा, अभी हमारे लिए बना रहे हैं पपड़ी, बहुत शानदार पानी पता से खिलाते हैं। ये हमारे साथ में थे भाई साहब, इनको भूख लगी है। हेलो। तो भाई ये हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया बढ़िया, कैसी चल रही है तैयारी वगैरह? चल रही, अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है पक्का? बस टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे और तैयारी भी अच्छी चल रही है। इसका तो नहीं आओगे, मेरा अभी 531 था, 531 नंबर है, अभी तो बढ़ाना पड़ेगा भाई। आज का भी पेपर अच्छा गया, लगभग 600 के आसपास आ जाएगा, 600 के आसपास आ जाएंगे। चलो बेस्ट विशेस आपको, अभी टाइम है ना, मिलता है फिर। सिलेक्शन बाद ऑफिस मिलेंगे पहले। अच्छा सबसे पहले मेरे से मिलोगे? पक्का? ठीक है तो फिर। तो भाई यही था आज का हमारा जो इवनिंग का शॉर्ट ब्लॉग था, ठीक है ना, रैंडम शॉर्ट ब्लॉग है इवनिंग का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इधर शॉपिंग हो चुकी भाई लोगों की,